नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में पैरशूट में। फिर से आज का एक और नया रिएक्शन वीडियो सर। तो आज हम करेंगे एक और नए संबलपुरी गाने का रिएक्शन, और ये गाने का नाम है तू ही मछली जल की रानी, जो कि भैया आया है प्रो स्ट्रिंग उड़ीसा पे। तो भैया दो दिन पहले आया, अच्छा खासा व्यूज लेके आ रहा है, काफी अच्छा खासा ट्रेंड दिख रहे हैं इसके, तो वायरल होने के चांसेस भी हैं। तो अगर आप नहीं जानते हो तो भैया सुनो जाकर तुझी मछली जल की रानी। तो चलिए देखते हैं, रिएक्ट और रिव्यू करते हैं और जानते हैं कैसे रहती है इसकी लिरिक्स, कैसी रहती है इसकी म्यूजिक, कैसी रहती है इसकी वाइब, सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ से। वीडियो जरूर लग रही है, जरूर देखना, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। चलो शुरू करते हैं, पहले कान में लगा के हेडफोन, चलिए शुरू करते हैं तू ही मछली जल की रानी और देखते हैं कैसा रहता है ये गाना। 3, 2, 1, लेट्स गो। अच्छा, मतलब अभी गाना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी एक काइंड ऑफ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत जो नरेशन होती है, मतलब वीडियो चल रही है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं, और चलो देखते हैं क्या है ये स्टोरी। तो भाई लोग यहाँ पे हो गया सीन एक, और ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग सीन ये है कि भाई एक फोटोग्राफर था, चोरी चोरी चुपके चुपके एक कन्या का फोटो निकाल रहा था, और इन लोग पकड़ लेते हैं, ये तीन लोग पकड़ लेते हैं, और ये तीन लोग में से ही एक की वो गर्लफ्रेंड होती है, समझ रहे हो, कन्या बोल रहे हैं, गर्लफ्रेंड वही सीन, और उसी का फोटो निकाल रहा विद सम कमेंट्री। तो वही सारी चीजें चल रही है, अभी जाल ला के उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अच्छा है कि भाई स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स तुम्हें, मतलब मुझे लगा कि 6 मिनट 7 मिनट का ये गाना है, बट नहीं, स्टार्टिंग के कुछ मिनट सिर्फ स्टोरी में ही जा रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या स्टोरी रहता है इसका। तो भैया मछली जल की रानी है और छू दोगे तो मतलब पानी पानी हो जाएंगी, ऐसा वाला सीन है। देखो भाई गाना तो देखो, मतलब स्टोरी खत्म हुआ, ठीक है, अभी तक मीम क्वोट्स के साथ स्टार्ट हुआ गाना, और गाना पूरा एकदम स्टार्ट हुआ वैसे पूरा एकदम धड़कन के साथ स्टार्ट हुआ कि भाई अचानक से स्टार्ट हुआ, वो एक जो स्टार्ट था वो काफी सडन था, और उसी तरीके से फिर तुम बीट भी उसी तरीके से चलती है, एंड देन फिर मुझे एक स्टार्टिंग की वर्स चली जो कि मुझे लगा कि अच्छा अभी मतलब समथिंग गाना चल रहा है, पता नहीं मिड पार्ट का मुझे गाना लगा, क्योंकि नॉर्मली जो गाने होते हैं ना स्टार्ट होते हैं बड़ी स्मूथ लाइन के साथ, ठीक है, काफी स्मूथ तरीके से स्टार्ट की जाती है ताकि ऑडियंस रजिस्टर कर ले कि हाँ भाई गाना चलने वाला है और गाना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट ये काफी सडन और काफी एकदम क्या बोलते हैं अचानक से स्टार्ट था,
ठीक है। और वो चीज मुझे थोड़ा मतलब बहुत अजीब लगा, थोड़ा अजीब लगा ठीक है, बेसिकली क्योंकि स्टोरी जस्ट खत्म हुआ, अंदर फिर गाना दर-दर-दर ऐसे स्टार्ट हुआ, ये कहना नहीं है, बड़ा इसका सिग्नेचर लाइन मस्त है ठीक है, मतलब मछली जल की रानी तू ही छू हो पानी पानी ठीक है, तो वैसा वाला सीन है। चलो आगे देखते हैं। भाई म्यूजिक बड़ा सही है, म्यूजिक काफी रिफ्रेशिंग रखा गया है और काफी अच्छी तरीके से उसे क्या बोलते हैं मिक्स करा गया है ठीक है। देखो मेलेडी जो होती है ना, मेलेडी बहुत ही इम्पैक्ट करती है, और देखो अगर ज्यादातर मेलेडी ऐड करोगे ना तो कहीं साउंड वो मतलब ऐसा ना हो कि खिचड़ी बन जाए ठीक है, बट यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनती, यहाँ पे बिरयानी बनती है, क्योंकि एक एक चीजें तुम्हें पता चलती है, एक एक मसाले तुम्हें पता चलती है, एक इंग्रेडिएंट तुम्हें पता चलती है ठीक है, और वो उस तरीके का स्वाद आता है तुम्हारा, क्योंकि भाई म्यूजिक जो है ना क्लियरिटी होनी चाहिए म्यूजिक में ठीक है, क्योंकि अगर क्लियरिटी रजिस्टर नहीं हो ना देन फिर तुम्हें पता नहीं चलता कि भाई म्यूजिक चल क्या रहा है ठीक है, और वो चीज तुम्हें चाहिए कि भाई हाँ वो क्लियरिटी होनी चाहिए जिससे कि तुम रजिस्टर कर दो कि अच्छा ठीक है म्यूजिक इस तरीके से प्ले करा जा रहा है, और म्यूजिक को काफी अच्छे तरीके से कंपोज करा गया, प्लस में लिरिक्स जो है लिरिक्स भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया, बस उसको थोड़ा बहुत सिंपल रखा गया ठीक है, उतना ज्यादा कुछ उसमें इंडल्ज नहीं करा गया, और रिलेटेड टू वर्ड ऐसे रखे गए जो कि तुम्हारे कानों को रजिस्टर हो जाए, सुनने में अच्छे लगे, ये सारी चीजों को रखा गया मद्देनजर रख के बनाया गया गाना, ताकि देखो भाई एक होता है ना कि भाई सब चीज का मिक्सचर बने तो फिर एक गाना बनता है, वो ये गाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, खैर देखते हैं आगे क्या सीन है। कैमरा नहीं करिया
इसलिए जाल बिछा दी, गलत बात है। ठीक है, तो गाने की बात करूँ तो गाने में डांस कोरियोग्राफी बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही बेहतरीन लगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो एनर्जेटिक के साथ डांस था ना, उसने मेरे अंदर एनर्जी डाल दिया, क्योंकि भाई मैं अभी कुछ दिन से सर्दी खांसी और फीवर से जूझ रहा हूँ। ठीक है, इसके कारण मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था उतने अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज फिर मैंने थोड़ा करा कि भाई हाँ चलो आज वीडियो बनाया जाए, क्योंकि भाई वीडियो थे नहीं और आप लोगों का प्यार चाहिए भाई, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो कि सब चीज़ है, तो इसलिए बनाना पड़ा मुझे। अब मेरी आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा आपको। तो भाई ये गाना सुनने के बाद ना, मतलब मैं जो थोड़ा बहुत डवाडोल फील कर रहा था वो भी एनर्जी आ गई, क्योंकि इसकी डांस में वो एनर्जी थी, वो पावर था कि तुम्हें फील होती है बाहर तक। ठीक है, और भाई यही होता है ना कि भाई जब तुम अच्छे तरीके से कोरियोग्राफी करते हो, अच्छे तरीके से डांस करते हो और उस तरीके का पावर लगाते हो ना, तो फिर वो बाहर तक तुम्हें फील कराती है। ठीक है, और वो चीज़ फील होती है तुम्हें, और बहुत ही बेहतरीन गाना था, मज़ा आया। सिंपल लिरिक्स थे, उतने कुछ थे नहीं। ठीक है कि भाई कुछ वाव फैक्टर तो नॉर्मल जो पार्टी सॉन्ग होती है उसी तरीके का ये सॉन्ग था। ठीक है, मछली जल की रानी है उनकी मैं उतरवा, और जीवन उनका पानी है जो लगाती है, छू देती है तो पानी पानी हो जाता है। खैर, इसका डबल मीनिंग मत निकालना कोई, बहुत ही सिंपल लिरिक्स था और बहुत ही जेन्युइन अच्छी तरीके से लिखा गया था। आई लव इट, मुझे पसंद आया, जाकर जरूर चेक आउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखते रहना। चलो बाय।